हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। आप सब लोगों का आज की इस नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि किसी भी सही बैटरी को या फिर किसी भी ख़राब बैटरी को बहुत आसान तरीके से हम उसको घर पर कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हमारी बैटरी गारंटी पीरियड में ख़राब हो गई होगी तो हम उसको बहुत आसान तरीके से चेंज करवा सकते हैं। जहाँ पर लाइट जो है वो 20 से 22 घंटे या फिर 20 से 18 घंटे लाइट आती है, वहाँ पर ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी बैटरी सही है या फिर हमारी बैटरी ख़राब है। और हमें फिर अगर जब बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो फिर हमें उसको चेंज करवाना पड़ती है, नई लगवाना पड़ती है। और आज के टाइम में कोई भी बैटरी 10,000 रुपये से कम की नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से बचें। और अगर आपकी बैटरी गारंटी निकलने वाली है या फिर आपको लग रहा है कि हमारी बैटरी दिक्कत कर रही है, तो आप उसको बहुत आसान तरीके से घर पर ही चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको एक 100 वाट का बल्ब होना चाहिए, आपके पास एक इन्वर्टर होना चाहिए और उसकी मदद से आप आसानी से घर पर ही चेक कर सकते हो। मेरे पास आज एक बैटरी अपेक्स कंपनी की, जो मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा कि बैटरी सही है या फिर बैटरी ख़राब है। अगर बैटरी ख़राब होगी तो वो रिप्लेसमेंट होगी, अगर बैटरी सही होगी तो वो रिप्लेसमेंट नहीं होगी। किसी भी कंपनी की हो चाहे, वो रिप्लेसमेंट ना दुकानदार करता है ना दुकानदार की बैटरी कंपनी करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को पता है मेरा एक इन्वर्टर और बैटरी का शोरूम है, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ अपनी इन्वर्टर बैटरी की शॉप। और मैं इन्वर्टर और बैटरी और सोलर पैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होती हैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वगैरह में मैं आपको वीडियोज़ देता रहता हूँ। तो जैसा कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक बार बैक कैमरे से, गाइस ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये इन्वर्टर वाली बैटरी है और वहाँ पर सोलर पैनल वगैरह है और पुरानी बैटरी है। और यहाँ पर ये मेरा फ्रंट साइट है और ये यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह लगे हैं इस अलमारी के पीछे, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो, ये मेरी बाइक है और उसके साथ यहाँ पर मैं बैठता हूँ, ये लैपटॉप वगैरह है, यहाँ पर इन्वर्टर वाली बैटरी। लेकिन आज जिस बैटरी के मैं ऊपर बात करने वाला हूँ, जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो इस बैटरी के बनाने जा रहा हूँ। ये 180 एम्पेयर की बैटरी है अपेक्स कंपनी की, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको कैसे चेक करूंगा आज मैं इस वीडियो में, तो फाइनली आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो देखते रहिए एंड तक। सो गाइस, किसी भी बैटरी को चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बैटरी को चेक करने के लिए। अगर आप बैटरी के काम में इंटरेस्टेड रखते हो तो आपको ये मीटर ले लेना चाहिए। ये बहुत आसानी से आपको बैटरी वाली मार्केट पर या किसी भी दुकान पर, जो बैटरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो, आपको ये 30 से 40 या फिर 50 रुपए का आपको मिल जाएगा। ये हमेशा काम में आएगा, ये बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डाउन है, बैटरी सही है, बैटरी ख़राब है, ये सब मीटर बता देता है, बिल्कुल रियल बताता है और सच बताता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, जो भी मैं बताऊँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप सुनना है और उसको फॉलो करना है, 100% आपका काम हो जाएगा। आपकी जब पूरी रात आपके घर पर लाइट रहे और इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करे फुल चार्ज, तब आपको मॉर्निंग में सुबह में ये प्रोसेस करना है, ये काम करना है। सबसे पहले आपको अपनी बैटरी की ग्रेविटी चेक करना है। ग्रेविटी जो है 1250 होनी चाहिए, मतलब 1200 और 1250 के बीच में होना चाहिए। अभी जो इसी बैटरी की ग्रेविटी है वो 1250 से भी प्लस है, 1260 है, 1250 1260 है, ठीक है। और हमें सब सेलो की चेक करना चाहिए। सब सेलो की जब हम चेक कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी मतलब कितनी ग्रेविटी है बैटरी की, चार्ज है या डाउन है। तो हम इस सेल की चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सब सेल की चेक करते हैं। इसकी भी 1250 है, 3 सेलों की ग्रेविटी बराबर है और इसकी भी 1250 है, ठीक है। 4 सेल की बराबर हो चुकी है और इस सेल की नापते हैं 5वें सेल की और इस सेल की भी गाइस 1250 है, ठीक है। तो 5 सेल की 1250 और 6ठे सेल की भी 1250 है। सो ये ग्रेविटी हो गई है 1250, हमने चेक कर ली है। हमारे हिसाब से बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है, लेकिन इस बैटरी का बैकअप जो है वो 5 मिनट भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अब आपको क्या करना है, जैसे कि जो इन्वर्टर होता है जो बैटरी पर लगा होता है वो आपको निकालना है, बैटरी को अलग लाना है, निकालना है, इन्वर्टर बैटरी में लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको गाइस उस पर एक 200 वाट का बल्ब या फिर एक 100 वाट का बल्ब आपको डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद उसको छोड़ देना है, टाइम देखना है। अगर आपकी बैटरी इन्वर्टर वाली ट्यूबलर बैटरी है तो अगर वो 1 घंटे से प्लस चल रही है तो आपकी बैटरी हो सकता है सही है। अगर बैटरी ख़राब होगी तो वो 10 से 5 मिनट में ही ख़राब हो जाएगी, ख़राब बताएगी। गाइस अगर हम इसमें करंट की बात करें तो इसमें 1% भी 0 वाट करंट है। अगर हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से ही बैटरी चेक करते हैं हमेशा। पहले बैकअप डालते हैं, जब बैटरी डाउन हो जाती है फिर इससे चेक करते हैं। तो गाइस इसका जो 1 सेल है ये प्लस वाला, ये वाला, ठीक है, प्लस से तीसरा, प्लस से तीसरा, माइनस से चौथा। तो ये जो सेल है ये बिल्कुल
उबल रहा है, मतलब बुझे छूट रहे हैं, आप इससे ना चेक करें। मैं जो बता रहा हूँ कि इन्वर्टर से बैकअप डाल कर चेक करें, अगर कम बैकअप है, बहुत कम चल रही है, तो आपकी बैटरी ख़राब है, आप उसको क्लेम में भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके 5 सेलों की गिरफ्टी सेम है, 1 सेल की जो है गड़बड़ है, 1 सेल की कम है, तो भी आपकी बैटरी ख़राब है। ये कुछ जो है हम आपको बता रहे हैं, तो इस चीज़ को फॉलो करें, और अपनी बैटरी अगर ख़राब है तो उसको कंप्लेंट में भेजें। अभी इस बैटरी की 1 साल गारंटी बची है, और इसका गारंटी कार्ड भी मेरे पास है, मैं इसको भर के भेज दूंगा, बैटरी वहाँ से नई आ जाएगी, ठीक है गाइज। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, मैं देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप गारंटी देखो एक बार इस बैटरी की, ये देखो आप 1240-1250 गारंटी हर सेल की, और सबकी बराबर, ये देख सकते हो आप, ठीक है 1250। तो ये अपेक्स की 180 एम्पीयर की बैटरी है, यहाँ पर लिखा है 180, और 3 साल की वापसी बैटरी की थी। जब इसको मैं पहले 2 साल सेल किया था तो ये 12,800 रुपये की सेल की थी, और अब ये बैटरी चेंज हो जाएगी, उसके लिए कोई भी खर्चा पानी नहीं देना होगा। और ये जब बैटरी चेंज होकर आएगी, फिर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। अब इसका जो गारंटी कार्ड है, उसकी आप फोटो कॉपी करके डीलर को दे दो, जहाँ से आप बैटरी खरीदी है वहाँ से आपकी बैटरी चेंज हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, गुड बाय। और मेरा जो मदार ब्लॉग्स के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उस पर जाके फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।